रे भोजन बनाए रे आज महल नमय मेरे भलवा बन जाए बिहारी रे। बोलो भाइयों आज मंगिया और प्रथम नरवर के धौरा पे फूलों की सिंचा लगी है, दोनों प्राणी बैठ जाते हैं साठ फंसा खेलने के लिए। और ये रमेश का चल अंशु अंशु शायरी बरारा कहने वाले 20 रुपए स्टेशन में ले दे रहे हैं। और क्या है रमेश का चल कलम मदी 50 रुपए बारी खेरा कहने वाले और बारी खेरा में कसल तो कम से कम टोटल 80 प्रतिशत रिश्तेदार हैं सब हमारे। और क्या है और कहना है लाला राम कश्यप बारी खेरा कहने वाले जी हमारे बहू के भैया हैं। और क्या है मास्टर अरे तुम तो मेरे सवाल आए कहा अरे मैं का लेना पूतिया था अरे दिया दृष्ट से देखे भैया भैया सी पक्षी उठती जा रही है। महाराज तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो रात्रि में 12 बजे के टाइम पर कोई पक्षी नहीं उड़ सकते हैं महाराज, ये केवल हंसों के जोड़ा है। हंसों के जोड़ा है हाजी महाराज, तुम्हारा ध्यान आज गलत हो रहा है। नहीं महाराज पर तुम्हें फिर इनकी जांच कैसे। हेलो ये आ गए ऋषि पाल यही बच्ची के रहने वाले, ये 20 रुपया दिए हैं नोता बिहार में। देखिए रात्रि के 12 बजे हंस महाराज उड़ते नहीं है महाराज, ये मेरे अंदाज में तो ये कौआ है। नहीं महाराज मैंने हंस चुमाए इन हाथों से अच्छा और मुझे पहचान कैसे महाराज। सुनिए जी भेद तुम्हें बतला रही मैं सुनो लगा कर ध्यान आज शहर नरवर के बीच में मेरा सुनो कले के हार। बताओ क्या बात है मेरे अरे मई के मई हीरा बारी खेरा कहने वाले हमारे भांजे और छंगे कश्यप ठेकेदार 100 रुपया का मामा फोन पे कर दे तुम्हारे मगर हमारे छाप लगा दी परोस में है इसलिए। और कहना है Thank you.
की हमारी तुम्हारी जान की बाजी रहे। महाराज ये हंसी हंसी में ये क्या बात है, जान की बाजी? हाँ ये देखिए, अगर हंस निकले तो मैं 12 साल के लिए नरबत छोड़ के चला जाऊंगा, और काग निकले तो मैं तुम्हें काग बिरानी बनाऊंगा। तुम्हारा जैसा कीजिए, आप मुझे ऐसे ही काग बिरानी बना दो, परी सागर पे मत भेजो किसी के लिए। जब तुमने अपने हाथों से अपने मैके में हंस चुगाए हैं, तो इस बात की मैं भी आज परीक्षा ले लूंगा। ये घर के ताल पुरैना पे बैठते हैं जाकर के। ठीक है महाराज, मंत्री को बुलाकर इस शिवक चिड़ियों की जांच करवा दीजिए, मुझे यह शर्त मंजूर है। बहुत अच्छी बात है, अभी मंत्रियों को बुलाकर और मैं इन पक्षियों की जांच कराऊंगा। अरे ठीक है महाराज, यहाँ कोई मंत्री नहीं है? मंत्री नहीं है, मंत्री के मौसा है, फिर भी मंत्री रहोगे? ऐसा है, आप जाति नहीं बदल जाएगी, मौसा हो या चाहे बाप हो चाहे कुछ भी हो। अरे ना, हाँ। और सुनो, तुम्हारे बड़े भाई कहाँ हैं? बड़े भाई? हाँ बड़े भाई हैं हमारे, वो घर पे हैं। देखिए उनको भी बुलाओ। तुम्हें नामालूम आजाद कदे? अच्छा अच्छा, देखिए आपको मालूम होना चाहिए हमारी और रानी की जान की बाजी लगी है। जान की बाजी? जी। ऐसी कैसी जान की? देखिए रात्रि के 12 बजे के टाइम पर ये पक्षी तो उड़ करके निकली धौरा की ओर से। मंजा ने कहा वो हंस है और हमने कहा वो काग है। अच्छा। हाँ तो उन्होंने कहा मैंने अपने हाथों से चुगाए अजय नगर में, मेरे बाप के यहाँ ये पलाऊ है, तो मैंने कि इसकी जांच कराऊंगा, मगर शर्त ये रहेगी। शर्त किस बात की? अगर हंस निकले तो 12 साल को छोड़ के नरबर में चला जाऊंगा, काग निकले तो मैं तुम्हें काग बिरानी बनाऊंगा। यानी दोनों में बहस पड़ गई इस बात की? जी। अच्छा, इसलिए आजा आप ताल पुरैना पे जाओ, पक्षियों की जांच करके आओ, हंस या काग है। महाराज हम रात के 12 बज रहे हैं जी, और वहाँ तुम्हारे ताल पुराना पे जाएंगे। महाराज बस धम्बूक दे दो हमें। क्या चीज? धम्बूक बंदू? हाँ आप भाई से ले लो। अच्छा, आप जाने खाने ताई से? दरी खाने में से? जी चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी बात का अकेले का विश्वास नहीं समझेंगे आप। एक लोगों की बात कभी खुलती नहीं है अकेले की। अच्छा, आज दो लोग होंगे तो बात छिपेगी नहीं। और ज्यादा लोग होते हैं तो वो हाले हाल आ जाती है निगाह के सामने। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मैं बुला देता। ठीक है। ए पंचमढ़िया भैया, कहे कहा रहे? कहीं कह रहे हैं भाई? मैं जा कह रहे हैं, मैंने कुर्सी पे मैंने जमा कर दिए हैं। बड़े भैया बहे का बहे का बहे का वो कह रहे सो जो आओ तो सो हम ही पर शुरू हो हैं ना, जे ही समझ रहे हैं सबसे कमजोर है। अगर पूरा गांव ना बोले तो एक किलो काफी। हाँ सो तो बात मानी, जब कोई ना बोले वो किलो बोलते हो। अजय आए के पुट सीधे कर देते। बात सुनो, किसलिए बुलाया मेरे लिए? ऐसा है महाराज का ऑर्डर है कि जाओ ताल पुरैना पे पक्षियों की जांच करके आओ, कौन से पक्षी हैं वो हमें बताओ। अच्छा महाराज प्रथम का ऑर्डर है, ये ताल पुरैना पे जांच करके आओ, ये पक्षी कौन से चुग रहे हैं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अकेले की बात नहीं सही होती, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ना ना झूठ तो नहीं बोलते हो? ठीक है आ जाओ। मंत्री ये बताइए आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? ताल पुरैना पे जा रहे हैं चिड़ियों की जांच करने के लिए। तो आप चिड़ियों की जांच करने जा रहे हैं, हमारे महाराज ने ऑर्डर दिया आपके लिए। ऑर्डर दिया है तो आप चिड़ियों की जांच करके आओगे, पहले मेरे पास आओगे। मतलब? वो तो महाराज ने आपको बता दी होगी, मेरी और महाराज की जान की बाजी है।
नो बताई तो है, तो आपने आपके पास पहले हैं। जी चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, क्योंकि जितनी बात महाराज की है उतनी बात आपकी है। ठीक, जांच करके मैं आपके पास आता हूँ। और ये कलम बंद लिखने जाएंगे श्याम सिंह कश्यप, ये बारी खेरा कहने वाले, ये 20 रुपए दे रहे हैं हमारे मेहमान और कह रहे हैं छाप लगेगी ढोला में। सब बारी खेले कहने वाले कलम बंद और क्या है, अरे सैया सुनो हमारी बात, अरे चलो चलेंगे पने मई के काम, मेरे बलमा अरे अवकाश कट जाए प्रिया मैं तुम्हें सब कहने लगे सेवाराम का 20 रुपया सेवाराम भर्रा मई के रहने वाले 20 रुपया नोट में पुरस्कार करते हैं। मैं नमस्कार, कौन सी भर्रा मई है भैया, हमारे मम्मा बारी द्वारा बारी थोड़ा है। सेवाराम ढुलत होते हैं उनके, और क्या है वो नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी बलमा सुनो हमारी बात, अरे तुम तो कहता हमारा मेरे सैया मैं मानव तुम्हारी के ये 20 रुपया नियुक्त में पुरस्कार करते हैं। मैंने बस क्या करता हूं, और कहना है अरे कौन बहुरिया बिना सास की क्या बात, एक को जॉब न भैया को न दलहार, भैया कौन चलो ऑर्डर दे दिया है, वो जांच करके आएंगे।
तू ही लगो पर वो बात न मैं तो आती ना काऊ की बात न मैं अरे नहीं हां कोई बात नहीं बात सुनने की बात है तो सुनता लई सुन लई हां सर चलो ठीक है अब चल रहे हम तुम ठीक अरे आप सजे यार पाई के साथ लक्ष्मण जी।